क्यों करता है वो उसके पास ही जाता है। तो ये सोच सकता है कोई व्यक्ति कि भैया ठीक है अंत समय में मैं प्रभु का स्मरण करना, प्रभु के पास पहुँच जाएंगे और जिंदगी भर जो है अपना परिवार का स्मरण कर लेंगे और क्या, मेरे बीवी मेरे बच्चे मेरी प्रमोशन मेरा बॉस मेरी नौकरानी इन सब के बारे में थोड़ा सोच लूँगा, मरते वक्त बोलूँगा अरी, ऐसा करके हो जाएगा अपना काम हो जाएगा और क्या। अंत समय प्रभु का याद, प्रभु को याद करना है, पर अंत समय में जो प्रभु को याद का स्मरण हो नहीं पाता है क्योंकि जब मर रहा होता है व्यक्ति तो जब कफ पित्तवात से जब गला भरा होता है आंखें भरी होती हैं उस वक्त जो है इस सिचुएशन के अंदर सारा लाइफ का फ्लैशबैक ही चल रहा होता है। उस वक्त वो बोल दे भाई इनको चलो प्रभु का नाम ले लें, चलो आप चलो प्रभु का नाम ले लो, कहाँ है भगवान, कहाँ है मेरी जैस्मिन, तुम कहाँ हो, बच्चे और पोते और मेरे बच्चे, बस यही चल रहा होता है। बल्कि हमने देखा है ऐसे व्यक्ति को ना बाद में अगर बोल रहा हो कि चलो ये तो नहीं कर पा रहे हरे कृष्णा, चलो हम कर लेते हैं हरे कृष्णा, चलो हम कर लेते हैं, तो रिश्ते वाला रिश्ते जहाँ चुप कराया था, चुप रहिए आप लोग हरे कृष्ण कर रहे हैं, बाबू जी आप हमारी सड़ी शक्लें देख देख के मरे हो, आपकी शक्ल ही सड़ी हुई है, हमारी शक्ल सड़ी हुई है, आपके डेस्टिनेशन सड़ी होगी, हम इनको हरे कृष्ण नहीं करने देंगे, बाबू जी हमारी सड़ी शक्लें देखो देखो, आप ऐसे ही मरो, आपका जीवन सड़ा था, आपकी मृत्यु हम सड़ाएंगे। ऐसे ही मरते हैं बाबू जी जिंदगी में बदमाशी की, अगर वो याद ही करना चाहे रिश्तेदार इंश्योर करेंगे नहीं 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 आपको हम प्रभु का स्मरण नहीं करने देंगे। तो हम बताते अंत समय में भाई जो मेरा स्मरण करेगा मेरे पास ही आएगा, कर नहीं पाते भाई, नहीं कर पाते। और जिसने जीवन भर अगर भगवान का नाम भजन वगैरह किया हो तो फिर अंत समय प्रभु उसकी स्मृति में आते हैं। कौन लेकर के आते हैं? गुरु लेकर के आते हैं। प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला, मैं लेकर के आऊँगा कृष्ण को आपकी स्मृति के अंदर, आप जीवन भर हरे कृष्ण नाम जप करो और 16 माला का पालन करो, सॉरी 16 माला का जप करो, 4 नियम का पालन करो और भागवत श्रवण करो, बस मैं आई एम श्योर मैं लेकर आऊँगा कृष्ण को। तो इसीलिए हमको ये भक्त को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, अंत समय भी कृष्ण का स्मरण होगा नहीं होगा, नहीं होगा 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 नहीं होगा, ये सोचना नहीं पड़ता भक्तों। सो दैट फेज अ डिवोटी इज अ वन हु ऑल रिमेंबर्स कृष्णा इन द लास्ट मोमेंट। तो आखिरी समय में जब कृष्ण का स्मरण होगा तो फिर प्रभु ही निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। साथ ही भगवान बता रहे हैं कि संसार के अंदर क्या क्या द्वंद्व रहते हैं, ये दुखालय है, अशाश्वतम है, ये दुखों का घर है, ये यहाँ दुख रहेंगे ही रहेंगे, यहाँ उतार ज़्यादा रहेंगे चढ़ाव कम रहेंगे, और चढ़ाव भी इसलिए होंगे ताकि उतरना फिर से है, तो अल्टीमेटली यहाँ उतार ही होते हैं जगत के अंदर, तो दुखालय है और अशाश्वत है। अच्छा कहाँ पर मतलब दुखालय, मतलब कि आप इस दुनिया की बात कर रहे हो, मतलब ये यहाँ पर जहाँ हम लोग रह रहे हैं, भगवान कहना ना आप ब्रह्मा भुवना लोका, ये चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक ना सब के सब ये सब दुखालय में ही काउंटर है। ऊपर की थोड़ी बढ़िया क्वालिटी के हैं और कुछ नहीं है, लेकिन ये सब टेम्परेरी हैं और ये सब के सब दुखालय ही हैं। अच्छा ये सब के सब दुखालय में ही आते हैं, ब्रह्मा जी का, हाँ ब्रह्मा जी का ही, ओ पर वो तो, लेकिन वो तो अमर है, वो तो है ना, ना ना अमर नहीं है, लंबी उम्र है, बस बताता हूँ मैं कितनी लंबी उम्र है। 1000 जब चतुर्युग बीतते हैं तो उनका 1 दिन होता है, 1000 चतुर्युग बीतते हैं तो उनकी रात हो जाती है, ऐसे उनके 365 दिन होते हैं, ऐसे उनके 100 साल हो जाते हैं। तो मोटा मोटा जो है कैलकुलेट करके देखें तो ये 311 trillion 40 billion ईयर्स बस ये उनकी उम्र है, तो उनकी थोड़ी ये बड़ी उम्र है और बाकी छोटी उम्र है, लेकिन उम्र तो है, नित्य जीवन नहीं है, यहाँ पर टेम्परेरी है भाई। तो इसीलिए आप ब्रह्मा भुवना लोका, तो इसलिए चाहे कहीं पूरे भुवन में देख लो ब्रह्मा जी तक दुखाले ही है वो वास्तव में वो, तो ओ अच्छा तो फिर तो ये तो दुखाले हो गए, तो फिर कुछ सुखाले भी है क्या, कहता हाँ बिल्कुल है, तो फिर सुखाले के लिए फिर सुखाले कैसे जाएंगे, तो उसके लिए फिर एक विद्या प्राप्त करनी पड़ती है, फिर उसकी भी विद्या प्राप्त करनी होती है। जैसी विद्या प्राप्त करता है ना व्यक्ति फिर वहीं पहुंच जाता है। ओह तो वोली विद्या, फिर वोली विद्या कैसी है, तो उन्होंने बोला वो विद्या वो तो राज विद्या है। अच्छा राज विद्या है वो, अरे मतलब राजा बना देगी मेरे को, कहता ना 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 राज विद्या का मतलब है विद्याओं में राजा वो है। ओ अच्छा अच्छा मुझको लगा वो राजा बनाने की विद्या, कहता ना नहीं राजा लोग भी पढ़ते हैं उसको,
लेकिन विद्याओं में राजा है वो। कहता अरे ये तो फिर तो बड़ी फेमस होगी। कहता ना 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 राजगुह्यम बहुत ही ज़्यादा गोपनीय है, वो सीक्रेट है, वो सब नहीं जानते हैं, जाते कईयों को तो पता ही नहीं उस विद्या के बारे में। ओह अच्छा, ऐसा क्या खास है उसके अंदर? पवित्रम, ऐसा पवित्र करने वाली विद्या वो, इसीलिए तो गोपनीय है वो। अच्छा ओ, तो इसका मतलब पालन करते हैं अगर तो फिर क्या होगा? कहता भाई ये सबसे टॉप क्लास विद्या है, सबसे ज़्यादा सीक्रेट विद्या है, इसका जो पालन करेगा ना उसके हर एक कार्य क्या हो जाएगा, सुखम नहीं सुसुखम, बहुत आनंद आ हो जाएगा उसके जीवन अगर वो उस विद्या का पालन करेगा तो। बाकी जड़ विद्या पालन करेगा तो वो ये जरा मृत्यु जरा व्याधि दुखालयम अशाश्वतम यही है। फिर दूसरा ऑल्टरनेटिव फिर ये भी है, तो फिर इसके बारे में बताना, भगवान बताना शुरू करते हैं कि सबसे ज़्यादा गोपनीय विद्या क्या है 9th chapter के अंदर। तो ऐसे अगर 18 अध्याय हैं, 18 अध्याय में लेके चले पहले 6 chapter, आखिरी 6 chapter, ये हो गए ब्रेड, मलाई कहाँ होगी? बीच के 6 chapter, बीच के 6 chapter के भी बीच के एकदम 2 chapter वो हैं 9वां और 10वां। तो मलाई की भी जो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड मलाई, इसलिए फिर इसको बोला मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान है ये वास्तव में। तो भगवान अब इसके बारे में हमको बताना शुरू करते हैं यहाँ पर। तो बता रहे कि हालांकि विद्या बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जिसका इस विद्या में श्रद्धा नहीं होती ऐसा व्यक्ति जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहेगा वो, ऐसी विद्या है। तो ओ, अच्छा, और ये जो जगत है ना जिसमें अभी हम लोग हैं अभी, हालांकि ये जगत वास्तव में ये मेरे से ही निकला है, लेकिन मैं इसमें नहीं हूँ। ये हालांकि मेरे से निकला हुआ है लेकिन मैं इसमें नहीं हूँ। कोई सोचे नहीं अरे ये भी वैकुंठ है, इसके परे भी वैकुंठ है, नहीं नहीं सर यहाँ मैं नहीं हूँ तभी तो यहाँ कुंठ है, यहाँ पर मेरी अनुपस्थिति से ही तो ये दुखालयम है। मैं वैसे सबको संभाले हूँ यहाँ पर, वैसे तो जैसे कि जैसे धागा होता है ना, धागा सारे मोतियों से घिरा होता है लेकिन धागा नज़र नहीं आता, तो उस प्रकार से वैसे तो मैंने सारा जगत को संभाल कर रखा हुआ है अपनी विभूतियों से, अपनी शक्तियों से, अपने विस्तारों से, लेकिन मैं खुद व्यक्तिगत रूप से इसमें नहीं हूँ। तो ये जगत मुझसे निकला है लेकिन मैं इस जगत में नहीं हूँ, यानी मैं लीला पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हूँ, मूक दर्शक रूप में हूँ, अप्रूवल करने वाला हूँ परमात्मा रूप में, दैट्स इट। और भगवान ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से वास्तव में मैं और परमात्मा एक ही हैं। जैसे कुछ लोग ये बताते ना, देखिए कृष्ण भगवान जी ने जो हमको ज्ञान दिया है उससे हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। अच्छा तो अलग अलग लोग हैं कहते और गए तो कृष्ण जी तो देखिए क्या है, कृष्ण एक आदर्श है, कृष्ण एक गुरु है, कृष्ण एक आचार्य है, उनसे कौन मिलेंगे? परमात्मा। अच्छा ये कृष्ण का परमात्मा कनेक्शन नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक गुरु थे। जैसे मुस्लिम मानते हैं दैट देवर 1,24,000 प्रॉफिट्स एंड मैसेंजर्स दे केम ऑन द प्लैनेट एंड वन ऑफ देम वाज आल्सो कृष्णा रामा, दे वर जस्ट मैसेंजर्स। बहुत ज़्यादा ना अरे मैं ही परमात्मा हूँ, परमात्मा मैं ही हूँ वास्तव में। अच्छा और अगर कोई आपको नहीं समझ पाए तो कहते हैं हाँ ऐसे कई लोग हैं जो समझ में नहीं समझ पाते मेरे को, हालांकि मैं मनुष्य जैसे दिखने वाले रूप में आता हूँ मैं, तो लोग ना मेरे को मनुष्य ही मान बैठते कि ये जी ये मनुष्य ही है। तो ऐसे लोगों का होना होता क्या है फिर? ऐसे लोगों की आशा, ऐसे लोगों के कर्म, ऐसे लोगों का ज्ञान, ये सब कुछ मोघाशा, ऑल ऑफ देम आर डिफीटेड। ये सब के सब निष्क्रिय हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं ये, जस्ट बिकॉज मेरे को स्वीकार नहीं करते। तो इस जगत के अंदर लोग जितनी मेहनतें कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये चीज़ वो चीज़ प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ये सब निष्फल हो जाता है, मैं नहीं हूँ ना इसीलिए। ध्रुव महाराज के इसमें क्या हुआ, उनको राजपाट चाहिए था, राजपाट में बस भगवान आ गए, ओ भाई ध्रुव प्लैनेट मिल गया उनको, वैकुंठ जैसा। भगवान की अनुपस्थिति से चीज़ें बिखर जाती हैं, उनकी उपस्थिति से चीज़ें खिल जाती हैं ऐसा। उसके बाद फिर भगवान ने बताया कि ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो कि मेरे भक्ति में लगते हैं। वैसे जगत के अंदर सब कुछ इनकम्प्लीट है, रहता है इनकम्प्लीट रहता है भाई, लेकिन हाँ जो मेरा भक्ति भजन करता है, अनन्य रूप से चिंतन करता है मेरा, उसके जीवन में जो कमी होती है मैं पूरी करता हूँ, और जो उसके पास होता है उसको प्रिजर्व करता हूँ। और फ्यूचर में जाकर के इस श्लोक का आखिरी पार्ट LIC वाले ले लेंगे हालांकि, लेकिन ये काम तो मैं ही करता हूँ, योग क्षेमम वहाम्य अहम। तो भक्ति जीवन में जो कमी होगी भगवान देते हैं, और ऐसा होता भी है।
कभी को भक्त देखा जो भूखा रहा हो ना? COVID-19 के समय में एक एक विशेष प्राणी थे जो बहुत भर भर के प्रसाद पाए, उन प्राणियों का नाम है भगत। भक्तों को कोई कमी नहीं हुई ना जी, तो जो कमी हो वो पूरी करता हूँ, और जो है जो अच्छा वाला है अंदर उसको प्रिजर्व करता हूँ। ये नहीं उस अंदर बदमाशी वो भी रखे रहेंगे, भगवान कहें वट एवर यू हैव आई प्रिजर्व, यू हैव विकेडनेस आई प्रिजर्व, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और उसके बाद ये बताया भगवान ने, उसके बाद ये बताया भगवान ने कि ऐसे भक्त मेरा गुणगान करते हैं और दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के मेरी भक्ति करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अरे सब कुछ अरे प्रभु ही तो है, इन्हीं से सब कुछ निकल रहा है, तो इस माल का हमें क्या करना, जिस माल से जिस जो सप्लायर है ना सारे माल का, हमें तो उसके पास जाने का। तो इस प्रकार से दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के फिर वो मेरे भक्ति भजन लगते हैं, बिकॉज दे नो मी एज ऑल इन ऑल ऐसा। उसके बाद फिर भगवान फिर से बताना शुरू करते हैं कि जितने भी आध्यात्मिक कार्य होते हैं उनमें जो रिचुअल्स हैं वो मैं हूँ, जो यज्ञ है वो भी मैं हूँ। तुमने कभी दवाई लगाई है आयुर्जन? कहते हैं हाँ, कभी कभी जब कर्ण का लगता तो मैं दवाई लगाता था। दवाई में जो ठीक करने का सत्व है ना, मैं हूँ। जितने प्रकार के यज्ञ हैं उनमें जप यज्ञ मैं हूँ। तो जितने भी यज्ञ होते हैं संसार के यज्ञों में सबसे नंबर वन यज्ञ कौन सा है? जप यज्ञ। हाँ, आहूति में जो बटर जाता है, मक्खन जाता है, घी जाता है, स्वाहा, ये सर वो भी मैं ही हूँ। अच्छा, जिसमें गया वो भी मैं ही हूँ। वाह, इस जगत के अंदर सबका एक कॉमन माता पिता मैं ही हूँ। और जितना नॉलेज ली जाती है ना यहाँ पर, जितनी भी विद्या ली जाती है, विद्या का लक्ष्य मैं हूँ। यानी कि ऐसी विद्या जिसका लक्ष्य मैं नहीं हूँ वो विद्या है ही नहीं, क्योंकि विद्या का लक्ष्य क्या है? मैं। जैसे स्कूल कॉलेज में जो विद्या मिल रही है उसका लक्ष्य कृष्ण नहीं है, तो असल में वो अविद्या है। इसलिए प्रभुपाद जी बोला करते थे स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर मॉडर्न स्लॉटर हाउसेस, बेसिकली और कुछ नहीं, जहाँ बच्चों की संस्कृति का हनन होता है। रीजन बीइंग, इस विद्या का लक्ष्य कृष्ण नहीं है ना, इसलिए विद्या है ही नहीं। वेदों की विद्या को इसलिए विद्या बोलते हैं, चलो निराकार ही सही, कम से कम प्रभु तो इंगित हो रखे हैं इनडायरेक्टली। इसीलिए दैट फेज जो स्कूल कॉलेज में जो जड़ विद्या मिलती है हमें, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, ये सब के सब अविद्या काउंट होती है, बिकॉज इसमें कृष्ण नहीं है। श्री जीव गोस्वामी ने व्याकरण पूरी लिखी, उसमें कृष्ण के नाम को लेकर ही पूरी व्याकरण लिख दी, हरि नामामृत व्याकरण, हरि के नाम के अमृत से भरी हुई व्याकरण, और वो व्याकरण को समझ ले डन। तो इवन कोई व्याकरण भी अगर पढ़े तो उसमें कृष्ण का नाम होना चाहिए वास्तव में। अब वो आते वैसे रामू जैसे नाम आते हैं, लोग कहते हैं ओ ये तो किसी नौकर का नाम है, रामू आपका नाम क्या है? राम। ओ अच्छा 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 अच्छा, ये तो बड़ा नौकरों जैसा नाम है आपका। हाँ अच्छा, श्याम, श्याम कहाँ? बिहार से। अच्छा अच्छा अच्छा, जो अच्छे नाम हैं इनको हम बैकवर्ड बता देते हैं, और ऊपरांग नाम है राहुल। अच्छा, तो इसमें क्या है? सर इसमें राहु की कृपा है इसके अंदर। वाह क्या बात है इसके अंदर, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इस तो कलयुग जो है वास्तव में ये सारा ऊपरांग हिसाब किताब है। यहाँ पर एक बहरीन में एक पेपर आया था, उसमें था व्हाट डू यू मीन बाय गट्स, तो बच्चे ने आंसर क्या किया, पूरा पेज खाली छोड़ा, नीचे लिखा दिस इज कॉल्ड गट्स, और उसको पूरे मार्क्स दिए गए। व्हाट अ क्रिएटिव वे ऑफ राइटिंग आंसर जस्टी। और श्री जयप्रताप महाराज ने एक प्रिंटिंग हाउस में गए थे, तो वहां पर बंगाली पेपर था, स्कूल का पेपर निकल रहा था, तो पहला क्वेश्चन था तुम्हार परिचय की। तो महाराज ने वो पेपर उठाया, मैंने कहा वेरी इंटरेस्ट। वहां टीचर के पास गए जो कि वहां खड़ी थी, भाई प्रिंटिंग हो रही है। कहते मैडम, तो मैडम इसमें आप इसमें क्या मतलब आप एक्सपेक्ट क्या करते हो उसके अंदर? कहते हैं ये लिख दें कि मैं बबलू हूँ, मैं उड़िया से हूँ, मैं उड़ीसा से हूँ, मेरे को खाने में ये पसंद है, मेरे को भात पसंद है, मेरे को टंग थुरानी पसंद है, बस ये सब वो लिख दे देगा अगर, तो उसको पूरे मार्क्स दे देंगे। तो मैंने कहा अच्छा वो लिख दे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का नीचे नित्य दास हूँ। कहते महाराज देखिए स्वामी जी, ऐसे फालतू आंसर लिखेंगे तो पूरे कौन मार्क्स देगा फिर? तो ये जगत उल्टा है, यहाँ पर अविद्या लिखो पूरे मार्क्स, यस वेरी गुड नाइस। सच्ची बात लिखा, क्या क्या लिखा है? मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का दास, क्या हो गया तुमको? आर यू ओके? आर यू ओके? हाँ आप बेटे का इलाज कराइए आप, इज मेंटली इम्बैलेंस्ड। उसको शौक लगा क्यों? क्योंकि बोल रहा है कृष्ण का दास है वो, हमको देखिए हम तो हमेशा उदास है, हम तो नहीं बोलते हम कृष्ण का दास है। सो दैट वेज तो भगवान बता रहे हैं वास्तव में सारी जो विद्या है उसका लक्ष्य मैं ही हूँ। और इसके अलावा अमरता,
वो ही मैं ही हूँ, और मृत्यु वो ही मैं ही हूँ, आदि भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ, और जो बीच में है वो भी मैं ही हूँ। और स्वर्ग में मिलने वाला सोमरस है वो भी मैं ही हूँ, जन्म भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ, और उसके बीच में जो कुछ भी है वो भी मैं ही हूँ। अच्छा तो आप इतना कुछ हैं, मतलब तो देवी देवता उनका क्या? फिर कई लोग तो हैं देवी देवता को मानते हैं, तो भगवान ने कहा हाँ देवी देवता को मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनके आगे बत्ती वत्ती घुमाते हैं, हालांकि वो मोगरा फ्लेवर की कॉक ब्रांड अगरबत्ती, तो वास्तव में ये वर्षिप मेरी है, क्योंकि वो वास्तव इसको फिर मेरे को ही देते हैं, वो कहते हैं प्रभु इसने वो दिए पूजा दी हमको, ये प्रभु आप ले लीजिए। लेकिन इस तरह की पूजा है वो अविधि पूर्वकम है, इट इज नॉट द राइट वे ऑफ वर्शिपिंग, ये इनडायरेक्ट तरीका है वास्तव में। कहता है अच्छा तो फिर ये जो ऐसे देवताओं को मान के जो बत्ती घुमा रहे हैं उनका क्या हुआ? तो ऐसे लोगों का फॉलो हो जाता है, वो गिर जाते हैं, जो मेरी सत्ता को नहीं मानते उनका पतन हो जाता है। अच्छा ओ तो फिर मतलब सब रास्ते आपकी ओर नहीं आते भगवान? हम तो ये सुना था जिस रास्ते निकल जाओ सब आ जाते हैं, यहाँ निकल जाओ यहाँ भी कृष्ण मिलेंगे, यहाँ निकल जाओ यहाँ, तो सब रास्ते जो है ये ऐसे चले जाओ, यहाँ वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, सब रास्ते आप ही के ओर आते हैं, ऐसे नहीं है क्या? भगवान का तो कभी गुड़गांव गया है? हाँ बिल्कुल मैं गया हूँ। फिर तो सब रास्ते गुड़गांव जाते हैं क्या? हाँ यहाँ निकल जाओ, यही रास्ता गुड़गांव जाता है, यही रास्ता गुड़गांव जाता है, वो रास्ता भी गुड़गांव जाता है, वो रास्ता भी गुड़गांव जाता है, ये रास्ता भी गुड़गांव जाता है, ऐसा होता है? कहते नहीं, बस फिर देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के पास जाते हैं, जो राक्षसों की पूजा करते हैं राक्षसों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं उनके पास जाते हैं, जो अपने पितरों की पूजा करते हैं उनके पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं मेरे पास आते हैं, जहाँ की जो टिकट कटाता है वहाँ वहीं की उसकी फ्लाइट होती है। फिर ओ ऐसा क्या? हाँ जी और क्या नहीं तो? अच्छा तो मतलब आपको अगर अगर समर्पित हो जाए तो फिर आपके पास आते हैं। अच्छा अच्छा पर हमने देखा देवी देवताओं को तो बड़े बढ़िया बढ़िया भोग लगते हैं, अगर देवताओं की पूजा अर्चना होती है ये बड़े बड़े भोग लगते हैं उनको, भाई इंद्र को ये भोग, ये आहुति, ये दिस दैट, तो जब इनको इतना मेन्यू है तो आपका मेन्यू तो फिर बहुत ही बड़ा होगा। फिर पाने का ना ना मेरे मेन्यू में तो सिर्फ चार ही आइटम है, पत्रम पुष्पम फलम और जल, दैट्स इट। यमुना का जल हो जाए, पत्ता हो जाए तुलसी का, अच्छा ज़्यादा कुछ नहीं, पुष्प ले आओ, तमाल वृक्ष फूल होते हैं वो ले आओ, अच्छा अपना मेन्यू तो बहुत सिंपल है। कहता हो पर हमने देखा देवी देवताओं को तो वहाँ मीट वगैरह भी चढ़ता है, वो दरूवर भी चढ़ती है उनको। भगवान कहते हैं अरे भाई मेरा श्लोक फिर से सुनो, मैंने बोला नहीं मटनम चिकनम सीख कबाब, मैंने बोला ये मैं तो बता रहा हूँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ऐसे बस अपना तो मेन्यू यही है, हम तो इसी में संतुष्ट हो जाते हैं और क्या। हालांकि प्रभु हैं लेकिन फिर भी हम तो संतुष्ट हो जाते हैं। कहते हैं अरे अरे वाह प्रभु ये तो बहुत बढ़िया है, तो यू आर सो नाइस सो वंडरफुल। अच्छा तो ऐसा अगर ये पत्र पुष्प फल और जल जल चढ़ा करके फिर क्या होता है? ऐसा व्यक्ति मेरे पास आता है अंतर्गतवा। कहते अरे पर भगवान फिर इसमें पार्शलिटी नहीं हो जाती इसके अंदर? भगवान कहना मैं कोई पार्शलिटी नहीं करता इसमें, मैं कोई पार्शलिटी नहीं करता, लेकिन हाँ जो मेरे अनुगत होते हैं मेरे भक्त होते हैं वो निश्चित रूप से मेरे से ज्यादा स्नेह ले लेते हैं, ऐसा जरूर होता है। लेकिन मैं तो कृपा का रेडियो हमेशा खोल के रखता हूँ, जो उसमें ट्यून इन कर लेता है उसका उसका गाना बज जाता है, जो ट्यून इन नहीं करता उसका गाना नहीं बजता। तो मैं तो पार्शलिटी नहीं करता, जैसे बारिश होती है बारिश सब पे गिरती है, अब जो छतरी लिया हुआ है बारिश ने हमको पानी नहीं दिया, जी हाँ ये बादलों ने भेदभाव किया, ये देखिए हमारे ऊपर पानी नहीं गिर रहा, सर छतरी हटा दो प्लीज़, छतरी हटा दो, नहीं देखिए छतरी तो हमारी छतरी है, हाँ हमेशा हम खतरी हैं लेते छतरी है, छतरी हटा दो। हाँ तो अज्ञानता की छतरी लेकर के पड़े रहते हैं, देखो ये बारिश हो ही नहीं हमारे ऊपर, हो ही नहीं रही, प्रभु की कृपा हमारे पे नहीं है, प्रभु की कृपा इन लोगों पर है हमारे पे नहीं, ऐसा छतरी हटा दो बस, दैट्स इट। तो भगवान कहता है, तो भगवान कहते हैं वैसे मैं तो इम्पार्शल हूँ लेकिन भक्त क्योंकि मेरे अनुगत होते हैं तो इसलिए वो ज़्यादा कृपा ले लेते हैं मेरे से। अच्छा मतलब भक्तों की बड़ी महिमा है आपकी, ओह अच्छा। लेकिन अगर आपका भक्त बदमाश निकले तो? बदमाश तो सभी होते हैं, हमने देखा आपके भक्तों में सारे शरीफ तो नहीं है, कुछ तो नवाज शरीफ भी हैं उनमें से। फिर तो भगवान कहते हैं भले ही मेरा भक्त जघन्य से जघन्य काम भी करे अगर, लेकिन फिर भी उसको साधु मानना चाहिए, क्योंकि प्रयास तो कर रहा है ना, संघर्ष कर रहा है पुरानी आदतों में, फिर कभी कभी गिर जाता है, गलती हो जाती है उससे, गिर जाता है वो बीच बीच में, पर इसका मतलब ये थोड़ी है उसको साधु मानना चाहिए, उसको खुद को साधु नहीं मानना चाहिए,
कि देखो गलती होगी तो भक्तों को क्या होगा, देखो हम तो हरि के भक्त हैं, हरि के भक्त तो हमको साधु मानना चाहिए, आप प्लीज सी मी एज साधु। खुद को तो उसको गालियां देनी चाहिए, कमीने तेरे जैसे मतलब हजार हरामी मरे होंगे तो तू पैदा हुआ साले, यहाँ पर आके तू धरती पे बोझ, तेरे को तो ऐसे सोटे पड़े डंडे पड़े कष्ट से तू, तेरी नरकों में सड़ तू कमीने। खुद को तो यही बोलना चाहिए, खुद को तो यही बोलना चाहिए, लेकिन बाकियों को नहीं बोलना चाहिए, बाकियों को साधु ही मानना चाहिए। कहते प्रभु जी देखो गलती किससे नहीं होती, अरे भाई हमसे भी तो गलतियाँ हुई हुई हैं भाई, फर्क ये हुआ हमारी गलती प्राइवेट रह गई, उसकी गलती पब्लिक हो गई। तो इसलिए भक्त के अंदर कोई दोष भी हो अगर फिर भी जो है उसको साधु ही मानना चाहिए ऐसा। और प्रभुपाद जी उसमें नरसिंह पुराण को कोट करे प्रपोर्ट के अंदर कि जिस तरह से चांद के ऊपर भी दाग हैं, अब चांद की चाहे कितनी रोशनी निकल रही हो लेकिन कोई दाग को नहीं देखता, कहते भाई चांद की तो चांदनी देखी जाती है। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरा यार साहिब, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं, चांद भी चांदनी की कसम खाता है भाई लेकिन दाग तो है उसके ऊपर, लेकिन दाग कौन देखता उसके। जो मूर्खाना लोग होते हैं वो कहते हैं अरे भाई दाग हो तो चांद के जैसे, कौन बोलता है इस तरह से, कैसे बोलता है मेरी शर्ट में ऐसे दाग लगे मानो चांद पे दाग लगे, कभी उपमा सुनी ऐसी, चांद की तो चांदनी की बात होती है दैट्स इट। या मान लीजिए अगर उस पर जाकर कोई खरगोश बैठ जाए और जाके और कोई बोले देखिए आज चांद की चांदनी कम हो गई क्योंकि उस पर एक खरगोश बैठ गया, रियली इस तरह से भक्त के अंदर दोष हो सकता है। भक्त उसका थोड़ा सा क्रोधी हो, जल्दी गुस्सा आ जाता है उसको, भक्त ऐसा हो जो सोता बहुत है 9 घंटे सोता है, हो भक्त ऐसा हो जो कई सारे पर्वत श्रृंखलाएं बनाता हो अपनी प्लेट के ऊपर, उसके बीच में तालाब बनाता हो दाल का और उन सारे पर्वतों को तोड़ तोड़ करके नदी के तालाब में जगर 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 खाता और ढगर 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 खाता ए और डाल ढगर ढगर, उसके बाद करता हो हरे कृष्णा भाई, तो बहुत खाता है तू तो हैं, कोई भक्त नूडल्स खा रहा है, तुम नूडल्स खा रहे हो, तुम हैं तुम वासुकी हो गए, तुम गरुड़ हो गए, तुम वो भी नूडल्स खाते हैं सांप के रूप में, तुम ये नूडल्स खाते हो। तो भक्ति आनंद हमने देख लिया तो बहुत खाता है, बड़ा क्रोधी है ये, इसको मान सम्मान की बहुत अच्छा है, आज आज माला खाए मेरी, माला खाए मेरी, तो प्रभु जी कोरोना वायरस चक्कर में ना फूल आ नहीं रहे, क्यों फूल फूल लाओ। तो होता है भाई भक्त में मान सम्मान की इच्छा हो, उसको इज्जत इज्जत चाहिए हो, थोड़ा चौड़ा होकर घूमता हो, लेकिन हाथ में माला भी उसके हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, साधु माना चाहिए। अरे कुछ भी देखो हरे कृष्णा तो कर रहा है भाई, हरे कृष्णा कर रहा है, थोड़ा एक दो बार किसी को लाइन वाइन मार देता है लेकिन वैसे तो हरे कृष्णा तो करता है धीरे धीरे करके। पहले तो स्क्वायर भी मारता था, सर्कल ही मारता था, हाइपर बोला रोम्बस सब मारता था, अभी सिर्फ लाइन पे आ गया, सुधर रहा है देखो, धीरे धीरे लाइन भी कम करेगा, वो लाइन सेगमेंट बन जाएगा धीरे धीरे। लाइन क्या होती है, लाइन का एंडलेस होती है, बिगनिंगलेस एंडलेस, लाइन सेगमेंट होता है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अब पॉइंट अब वो लाइन सेगमेंट बन गया उसका, धीरे धीरे करके कम होते 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 लाइन में चली जाएगी उसकी ऐसा। तो इसीलिए साधु रे बस मंतव्य, साधु मानना चाहिए भाई ऐसा, अच्छा अच्छा साधु मानना चाहिए। अगर हम ऐसे अगर साधु मानने लगें तो फिर हमारे साथ क्या होगा, फिर अगर हम ऐसे साधु मानने लगे इन लोगों को, हमारा तो मन करता है इनको कोर्ट केस करें इन लोगों के ऊपर, कपटी पाखंडी कहीं के ना हो तो, नहीं 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 अगर भैया तुम इनको साधु देखोगे ना तो तुम धर्मात्मा हो जाओ। अच्छा हम अगर ऐसे कमजोर भगत को साधु देखते हैं तो हम धर्मात्मा हो जाएंगे ना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो उसका क्या होगा, ये जो बदमाश भक्त है उसका क्या होगा, अर्जुन भाई तो लाउड स्पीकर ले और अनाउंस कर दे मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो प्रभु आप बोल दो ना, मेरे को बोल रहे हो प्रवचन तो अभी आप ही दे रहे हो, कहता नहीं यार एक समझा कर मेरा क्या है, मैं प्रवचन कभी मैं वचन ना आगे पीछे भी कर देता हूँ कभी कभी, जैसे मैंने कसम उठाई हुई है मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं महाभारत के आखिर में ना अपनी कसम तोड़ दूंगा तेरी रक्षा करने के लिए, तो मैं अपने वचन तोड़ देता हूँ और मैं इसलिए मैं बदनाम भी हूँ। कहता कृष्ण ने वचन दिया है ये अपना वचन तोड़ भी देते हैं। कोई ऐसा है भाई हमें कोई ऐसा हो 100% एश्योरेंस वाला, अगर हरि के भक्त ने को बोल देना अगर, फिर तो ये प्रभु उसके वचन को बचाने के लिए ना अपने आप को लगा देंगे। जैसे भीष्म पितामह ने ये कसम अगर खाई हुई है कि मैं प्रभु का अस्त्र उठाऊंगा और उठवा दूंगा मैं,
तो उनकी कसम को ना प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी कसम तोड़वा लेंगे, ऐसे हैं कृष्ण। तो इसलिए अर्जुन मेरा क्या है, मैं बहुत बदनाम आदमी हूँ यार, मैं वचन देता हूँ ना, मैं वचन तोड़ भी देता हूँ अपने। तो जैसे अगर तू वचन दे दे, लाउड स्पीकर ले और बता, सुनो सुनो सुनो, हरि के भक्त का कभी नाश नहीं होता, ये मैं बोल रहा हूँ। अर्जुन कृष्ण का भक्त तो संभाल लेंगे भाई, कृष्ण के भक्त ने बोल दिया, अब तो कृष्ण इस बात को एंश्योर करेंगे करेंगे पक्की बात। ऐसा तो इसीलिए जो भक्त में कमी के बावजूद उनको महात्मा मानता है, उनका सम्मान करता है, ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा हो जाएगा। इसलिए कभी कोई अगर आपका चुगली लेकर के आता है किसी भक्त की, कभी नहीं सुननी चाहिए, जहर है ये चुगली, ये निंदा। कहता अरे उस भक्त के बारे में बता दो उनकी हिस्ट्री क्या है, ये बंदा पहले मिरांडा कॉलेज के बाहर घुमा करता था, आज धोती कुर्ता पहन के यहाँ पर बड़ा हरे कृष्ण करता। और तो और पता है, लास्ट ईयर ये 1,00,000 रुपये का गबन करके पकड़ा हो गया है। बंदे ने डोनेशन ली, अपने जेब में डाल ली इसने। जो इस तरह की बातें कर रहा है, ऐसे व्यक्ति दूर रहना चाहिए। भक्त से गलती होगी, उसे गुरु ठीक करेंगे, कृष्ण ठीक करेंगे। निंदा चुगली करके चेतना किसी खराब होती है, हमारी खराब होती है। भक्तों के प्रति सम्मान किसकी दृष्टि में कम होता है, हमारा नुकसान हमारा होता है। इसलिए कभी कोई आपके पास आए, होता क्या है, वन ऑफ द वे टू ग्लोरीफाई माई सेल्फ, एक खुद की अपनी स्थिति अच्छी करने के लिए एक तरीका होता है दूसरे को नीचे दिखाना। तो जब सब नीचे नीचे हो जाएंगे, ये नीचे नीचे, तो ऊपर कौन रह गया, अब मैं। तो ये भी तरीका होता है अपनी इज्जत बनाने का, पर ये अच्छा तरीका नहीं है इज्जत बनाने का। तो ऐसे लोगों से भाग लेना चाहिए जो वैष्णव निंदा करें, भले भक्त में कमियां हो, गुरु ठीक करेंगे उसको, प्रभुपाद जी ठीक करेंगे, कृष्ण ठीक करेंगे, प्रार्थना करेंगे, दैट्स इट। जो ऐसा करेगा वो धर्मात्मा हो जाएगा। ओके, तो अच्छा, तो फिर प्रभु का जो भक्त है फिर कौन कौन हो सकते हैं? वहाँ का स्त्रियाँ भी हो सकती हैं, स्त्रियाँ हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, राजा हो, सब हो सकते हैं। तो कभी कभी श्लोक को जो है लोग नेगेटिव ले लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है चाहे कोई निम्न किसी का जन्म हो, स्त्रियाँ हो, वैश्य शूद्र, मतलब स्त्रियों के बारे में आप ऐसी हीन भावना रखते हैं। ये एंटी फेमिनिस्ट ग्रुप वाले जो होते हैं, ये किसी में भी जो एंटी फेमिनिज्म ढूंढ लेते हैं कि अगर एक मूवी में अगर हीरो ने अगर हीरोइन को थप्पड़ मारा उसमें भी एंटी फेमिनिज्म। ये मूवी स्त्रियों के अधिकारों के विरुद्ध है क्योंकि हीरो ने इसमें हीरोइन को थप्पड़ मारा है। ये नॉट ए मूवी है, ये इट्स जस्ट अ मूवी, दैट्स इट। पर एंटी फेमिनिस्ट वाले जो होते हैं, दे आर ऑलवेज भाई ये देखिए ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, यहाँ स्त्री को निम्न बताया। अच्छा सर, निम्न की बात नहीं हो रही, यहाँ ये बता रहे हैं कोई व्यक्ति कर सकता है। यहाँ फोकस ये है, ऑल एनकम्पासिंग नेचर ऑफ भक्ति इज द फोकस ऑफ द वर्स, नॉट कि स्त्री लो या ऊपर। तो फोकल पॉइंट कुछ और होता है डिस्कशन का, और वो फेमिनिस्ट वाले जो है उसको कहीं और ले जाते हैं, ऐसा होता है। सो दैट इज भगवान बोल रहे हैं, चाहे स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, निम्न जाति वाला हो, निम्न जन्म वाला हो, या ऊंचे जन्म वाला भी हो, ब्राह्मण हो, राजा हो, क्षत्रिय हो, ये लोग सब के सब मेरी भक्ति कर सकते हैं। अच्छा, तो वहाँ आपकी भक्ति कैसे 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 करनी होती है? तो बहुत सिंपल है, भक्ति का मतलब है मन मेरे में लगा लो बस, तुम बस इतना कर लो यार। अच्छा, आप में अगर मन ना लगे तो, मन ना लगे कम से कम भक्त तो बन जाओ, मन बाद में लगा लेना अपना, और क्या वो। लेकिन अगर मैं कम भक्त हूँ और मैं भक्त नहीं हूँ तो ठीक है, तो बीच में जाए पूजा कर लिया करो, ऐसे अपना आती है मोगरा फ्लेवर, जैस्मिन फ्लेवर, ऐसे ऐसे बत्ती के लिए, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश, ऐसे बीच में ऐसे ऐसे कर ले कर बस, जय हो जय हो जय हो, सुख संपत्ति करावे, खुश बड़े करेगा, ओम जय जगदीश हरे, बत्ती घुमा रहा हूँ, मेरे मेरे कष्ट को दूर करो, मेरे कष्ट को दूर करो। इतना तो कर ले, इतना कर ले। पूजा है, मैं नहीं पूजा कर रहा, मेरी पूजा का तो कोई और है, मेरे ऑफिस में काम करती है, मैं तो मेरी पूजा तो कोई और है। अच्छा, ओहो, तो ऐसा क्या, फिर जो ये नमस्कार कर लेगा बीच में, ऐसे लेट जाकर बीच में, तो पुशअप्स वगैरह मारते ना, कहता हाँ बस एक बार पुशअप मार के उठना नहीं है थोड़ी देर, फिर उठ जाइयो, कितना कर लेगा मेरे आगे, कहता हाँ आपके आगे थोड़ा पुशअप मार लूँगा, वो तो मैं घर पे वैसे ही करता हूँ, थोड़ा आपके आगे कर लूँगा, जय हो, एक पुशअप इतना कर लेगा, हाँ इतना तो मैं कर लूँगा, आप भी क्या करोगे, इतना तो मैं कर लूँगा, कहता चल ठीक, वेरी करना शुरू कर। जो नमस्कार करना शुरू करेगा वो पूजा करनी शुरू करेगा, जो पूजा करनी शुरू करेगा वो भक्त बन जाएगा, जो भक्त बन जाएगा तो उसका मन लग जाएगा भगवान में, इस प्रकार से प्रभु की भक्ति हो जाती है। वो अरे वाह वाह प्रभु अद्भुत। उसके बाद 10वें अध्याय में आप भगवान बताएंगे कि
असल में सारी जो इच्छाएं पूरी होती है किनसे होती है? देवी देवताओं से पूरी होती हैं, वही मेरे से आ रहे हैं। और जो संत महात्मा इनसे आशीर्वाद चाहते हैं वो भी मेरे से आ रहे हैं। इसलिए अगर तुमको अगर बेनेडिक्शन चाहिए ना अगर, तो वास्तव में वो सब मेरे से ही होती हैं, वो मैं ही देने वाला हूँ। तो चाहे कोई विरक्त हो संतों की तरह, चाहे भोगी हो भोग विलास में हो देवताओं की तरह, लेकिन आते सब मेरे से ही हैं। तो जितने भी सद्गुण हैं संसार के अंदर जो कि पूरी सृष्टि में छाए हुए हैं, चाहे बुद्धि हो, ज्ञान हो, संशय हो, क्षमा हो, सत्यता हो, इंद्र संयम हो, मन पे नियंत्रण हो, जन्म हो, मृत्यु हो, भय हो, निर्भय होना हो, संभाव हो, संतोष हो, तपस्या हो, दान हो, यश हो, अपयश हो, ये सारी क्वालिटीज मैंने ही बनाई है वास्तव में। तो अच्छा ये सब आपने बनाया, लेकिन हमको इसमें अच्छी वाली क्वालिटीज चाहिए होती है, जैसे हम खुश रहें, मन में संतोष रहे। तो संतोष और खुशी भला कैसे मिलती है प्रभु, वो बताइए ना आप। मान के देखो, संतोष और ये जो खुशी अगर तुम चाहते हो और बढ़िया वाली चाहते हो, तो ना अपने चित्त को मेरे में लगा लो, बस चित्त को आप में लगा लो। ऐसा क्या मतलब? उसका मतलब होता है मतलब कि प्राणों से ना मेरे को चाह लो तुम, मदगत प्राण आपको चाह लें, प्राणों से अधिक चाह लें आपको। अच्छा ऐसा कैसे हो पाएगा भाई? आपस में एक दूसरे को बोध कराया करो मेरा, उससे फर्क हो जाएगा। अच्छा बोध कराना है उससे 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 क्या? अरे कथन कथा कथा हो जाएगी ना हमारी, कथा करोगे हमारी तो हो जाएगा बस। अच्छा कथा करने से क्या होता है? बोध होता है, एक दूसरे को रिमाइंड हो जाता है कृष्ण के बारे में, मेरे बारे में। अच्छा कब कब करना है? आधा घंटा कर सकते हैं रोज आधा घंटा, है ना? नित्यम कथन तस्माम नित्यम। तो फिर उससे उसका रिजल्ट क्या होगा? फिर उसका रिजल्ट होगा दुष्यंती च हरमंती च। तुम्हें संतोष चाहिए? हाँ जी चाहिए जी, मेरा दोस्त संतोष है, उसके पास संतोष है नहीं, लेकिन मेरे को संतोष चाहिए। अच्छा और खुशी? खुशी भी चाहिए, बहुत सारी चाहिए। हाँ बहुत सारी चाहिए। बस ये काम कर ले, जो व्यक्ति एक दूसरे को बोध कराएगा कृष्ण का, ऐसे व्यक्ति क्या करेगा? कथा कर लेगा। जो व्यक्ति बार बार कथाएँ सुनेगा, कृष्ण की कथाएँ सुनेगा, हरी कथाएँ में रेगुलरली बैठेगा, ऐसे व्यक्ति का जो प्राण है वो कृष्ण की ओर ढुल जाएंगे, उनकी ओर बह जाएंगे, और उनका चित्त फाइनली जो है कृष्ण में लग जाएगा। ऐसा होता है। तो भगवान में अगर चित्त लगाना हो अगर, तो ये सीक्वेंस है, बोध कराना शुरू करना चाहिए, हमें दूसरे को रिमाइंड कराना चाहिए। वसुधा महा प्रभु कल मैंने ना पूतना की लीला सुनी थी मैंने, मतलब पूतना ऐसी है उसने कपट की हद कर दी, लेकिन भगवान ने देखो कृपा की हद कर दी प्रभु। कल मैंने पूतना के बारे में पढ़ा प्रभु, बहुत अच्छा लगा। वसुधा महा प्रभु ने मुझे बताया, अरे अरे प्रभु जी कल मैंने शक्टासुर का पढ़ा, भगवान ने किस वजह से शक्टासुर का उद्धार कर दिया, भगवान ने एक लात मार करके उसका कल्याण कर दिया भगवान ने, क्या बात है। शक्टासुर जो है वो ना भौतिक विद्या को रिप्रेजेंट करता है, जिसको कि लेके चल रहे हैं भगवान, एक लात मारते हैं भौतिक विद्या की धज्जे उड़ाए थे भगवान। वाह, इसलिए प्रभु जी मैं सोचा करता था कि भक्ति में लगूंगा, मेरा ध्यान लगेगा, पढ़ाई लिखाई मेरा मेरा ध्यान से और हट गया मेरा तो, क्योंकि ना असली माल देखने के बाद फिर नकली मार्ग पढ़ा नहीं जाता फिर। ये मैंने कल पढ़ा, बोध यंत्र परस्परम, ऐसा करना है। तो लेकिन बोध यंत्र होता कैसे? बोध यंत्र परस्परम कथन तस्म, उसे प्राण लग जाएंगे, चित्त हमारा प्रभु में लग जाएगा। अच्छा ओ ऐसा होता है, तो मतलब लेकिन मैं देखा प्रभु आपकी जो लीलाएं हैं ना समझ में नहीं आती है वैसे, मैंने काफ़ी दिमाग लगाया, मैंने ब्रेन वीटा प्लस के कैप्सूल्स भी लिए मैंने, और मैंने ब्राह्मी का सर भी पिया करता था मैं, बादाम रोगन वगैरह सब किया मैंने। ये मतलब आपकी लीलाएं समझ में नहीं आती, मतलब आपके हिसाब किताब हैं क्या वैसे पूरी जगत के अंदर ना, क्योंकि लॉजिक एकदम परे है, ये हमारा लॉजिक में हिसाब किताब चलता है सारा। तो ये बुद्धि वाला कौन सी मार्केट से मिलती है? अरे भगवान ने कहा मैं ही देता हूँ, ददाम में बुद्धि योगंदम, मैं ही देता हूँ। दूध और आम खाने से बुद्धि नहीं बढ़ती, मेरे देने से बुद्धि बढ़ती है। भले ही तू नौवीं फेल हो, लेकिन मैं जब बुद्धि दूंगा ना तो मेरे को जान लेगा। लेकिन मैं अगर बुद्धि ना दूँ ना, कोई अगर PhD हो, MTech हो, फलाना हो, डिमका कोई MBBS डॉक्टर हो, या फिर इंजीनियर हो, MBARC, ये जार्क वो जार्क कुछ कर ले, वो पता नहीं क्या है भाई। तो बुद्धि मैं ही देता हूँ भगवान, लेकिन आप बुद्धि कैसे देखते हो? आपकी कोई आपकी कंपनी थोड़ी है बुद्धि देने की भगवान। आप मजाक कर रहे हो लगता है भाई। मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, ज्ञान दीपे न भास्वता, मैं ज्ञान का दीपक जला करके हृदय में अज्ञानता उसको दूर कर देता हूँ और ज्ञान मिल जाता है। मैं हार्ट में बैठा हूँ ना, बाहर तो हूँ, हार्ट में भी तो हूँ मैं तो। ओ अच्छा अब मुझे समझ में आ रहा है,
आपकी सारा हिसाब कहता वास्तव में आपके कंट्रोल में होता है, कहता हाँ बेटा ये मेरे कंट्रोल में होता है। अब मुझे समझ में आ रहा है, अब मुझे बुद्धि दे रहे हो ना, मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन तो भगवान ने कहा लेकिन तू ही मानता है और कौन मानता है, तू ही तो मानता है, बस मैं तेरे को बता। कहता नहीं नहीं असे देवल व्यास नारद ऋषि सब मानते हैं, मैं तो अभी लेटेस्ट कस्टमर हूँ जो इस बात को समझाए, ये सब तो पहले से ही मानते हैं, सब पहले से जानते हैं आपके बारे में। तो भगवान ने कहा, तो फिर अर्जुन ने कहा प्रभु एक बार ना वो आप ऐश्वर्य का शुरू किया था ना आपने, एक बार मैं बुद्धिमान की बुद्धि हूँ शक्तिशाली की शक्ति हूँ और जो बताते वो ना बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे को लग रहा था कि मैं तो आसपास मैं तो आपका अनुभव कहीं पे भी कर सकता हूँ मैं तो इसीलिए ना वो एक बार फिर से आप थोड़ा सा और बता दो जरा उसका। आपने बीच में रोक दिया, फिर आप दूसरी चीज़ बता रहे थे आप, क्योंकि मैं थोड़ा सा भूल रहा था, यहाँ पर भटक रहा था मैं, सवाल वाल मैंने पूछना शुरू कर दिए। तो और उसके आगे बताइए ना। तो भगवान ने फिर अपने ऐश्वर्य को और आगे बढ़ाया, बताया भगवान ने कहा परमात्मा सबके हृदय में मैं ही हूँ और जो प्रकाश है उसमें सूर्य का प्रकाश वो मैं हूँ, जो आदित्य हैं उनमें विष्णु मैं हूँ। तुमने तारे देखे, तारे तारों में सोचते सबसे अधिक लाइट किसमें होती है, चंद्रमा से, चंद्रमा मैं हूँ। देवताओं का राजा बता कौन है, इंद्र, इंद्र मैं हूँ। यहाँ भगवान बेसिकली अपनी विभूतियाँ बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी हम इन्हीं की पूजा अर्चना शुरू कर देंगे। भगवान आगे बताएंगे जो जलचर हैं उनमें शार्क मैं हूँ, तो ऐसे नहीं हमने शार्क देखी ओए निकालो अगरबत्ती ये शार्क प्रभु खुद बोले कि जलचरों में मैं ही शार्क हूँ, जितने भी फेरोशियस जानवर हैं उनमें सिंह मैं हूँ। ए सिंह जू में गए, सिंह यही है, सिंह बेचारा भूखा बैठा कोई खाने को नहीं मिला, जू वालों ने दिया नहीं, कहते कोई बात नहीं अगरबत्ती दे। नहीं भाई वहाँ से विभूति बता रहे हैं यहाँ पर कि हर किसी चीज़ में जो विशेष चीज़ अगर कुछ दिख जाए ना, अगर वो विशेषता मेरी वजह से है। जैसे मैंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति में कोई टैलेंट है वो टैलेंट मैं हूँ, कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा डांस करता है, कोई अच्छा लिखता है, वो टैलेंट मैं हूँ। तो हर किसी तो ये क्या विभूति योग है वास्तव में। ऐसा जो इंद्रियाँ हैं उनमें मन मैं हूँ, सबसे अधिक कठिन किसको वश में करना है, मन को, सबसे ज्यादा शक्ति इसी के अंदर है। अब देखिए यहाँ बता रहे हैं इंद्रियों में क्या हूँ, मैं मन हूँ। भक्ति साहब महाराज बोलते हैं इसको 100 बार मन को जूते मारने चाहिए, शाम को 100 बार झाड़ू मारने चाहिए। कहते हैं यानी कृष्ण को झाड़ू मारना है जूते मारने, नहीं सर विभूति योग है ये, विभूति योग है ये। तो इसलिए सारी इंद्रियों में जो छठी इंद्री मन वो मैं हूँ। किसी जीवित व्यक्ति के अंदर जीवन चेतना मैं हूँ। पर्वतों में मेरु पर्वत, मेरु इज ह्यूज गोल्डन माउंटेन मैं हूँ। रुद्रों में शिव मैं हूँ, क्योंकि शिव जो है इज नॉट अ पोजिशन, रुद्र फिर भी पोजिशन है। समबडी कैन बिकम रुद्र बट नॉट शिवा, शिवजी जो है एक अलग तत्व है, तो शिवजी मैं हूँ। ओके और जितने अविचल हैं ना हिलने वाली चीज़ें हैं जिनको हिला नहीं सकता उनमें हिमालय मैं हूँ। दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ। और जितने भी अस्त्र शस्त्र चलाने में जो यज्ञ जो बहुत दक्ष हैं उनमें राम मैं हूँ। तो बलदेव विद्याभूषण बता रहे हैं वहाँ पर वास्तव में यहाँ जो राम है वो परशुराम है, अस्त्र शस्त्र चलाने में विशेष रूप से परशुराम, क्योंकि परशुराम शाक्तव्य अवतार है। श्री राम इज नॉट शाक्तव्य अवतार, ही इज द लॉर्ड प्रभु है वो तो इसलिए क्योंकि वो शाक्तव्य अवतार नहीं है इसीलिए यहाँ राम का मतलब परशुराम है वास्तव में। और जो मछलियाँ हैं उनमें शार्क मैं हूँ। जितने भी प्रकार के विज्ञान हैं उनमें भक्ति का विज्ञान जिससे कि प्रभु को जाना जाता है ऐसा विज्ञान मैं हूँ। जितने भी लॉजिशियंस हैं तर्क वितर्क कुतर्क करने वाले हैं इनमें निष्कर्ष मैं हूँ। सारे तर्क का क्या अल्टीमेट लक्ष्य होता है, निष्कर्ष। कहते जी इतनी आपने डाउनलोड किया, आपने इतना टेराबाइट, आपने इतना टेराबाइट, लक्ष्य क्या है, निष्कर्ष, निष्कर्ष मैं हूँ। जितनी वर्णमाला है उसमें लेटर अ मैं हूँ। और अ देखो सब में, सब में क ख ग ग ग्य त्र अ अ तो सब में है, बिना अ के कोई माला है ही नहीं, कोई वर्णमाला में एक भी वर्ण जो है वो अ के बिना नहीं है, इसलिए अ इस कृष्णा। अगर ओ में भी आता ना अ ऊ म अ इस कृष्णा, अरे अ कृष्ण है कहाँ लिखा है, भगवद गीता में लिखा है जी अ मैं हूं।
इसके वर्णमाला जितने भी अक्षर हैं उनमें ए अ तो है ही है वास्तव में ऐसा। और सृष्टि करने वालों में मैं ब्रह्मा हूं, मैं ही मृत्यु हूं, मैं ही काल हूं, मैं ही कुछ फीमेल क्वालिटीज भी हूं। फीमेल क्वालिटीज कौन कौन सी हैं? फीमेल क्वालिटी मतलब नहीं सीधे से फीमेल मिलती हैं, सब मिलती हैं, लेकिन क्वालिटीज फीमेल हैं। कौन सी क्वालिटीज हैं? यश, मंगलता, स्मृति, धैर्य, अच्छी वाणी, स्थिरता, ये स्त्री वाली क्वालिटीज हैं। पर ये समय पाई जाती है पुरुष में भी और स्त्री में दोनों पाई जाती है। बट दिस क्वालिटीज ऑफ फेमिनाइन, जितनी भी कविताएं लिखी जाती हैं उनमें जो गायत्री है वो मैं हूँ। गायत्री में जो है इट्स वेरी नाइस, सब में जितनी गायत्री है उसमें उस देवता की पूजा अर्चना भी होती है, साथ में कुछ वर्ड्स कॉमन भी हैं, धीमही, प्रचोदयात, सबके अंदर आता है। एक्चुअली गायत्री क्वालिफाइज टू बी गायत्री बिकॉज उसके अंदर ये आर्य शब्द आ रहे हैं, विद्महे, प्रचोदयात एंड धीमही, ये होने चाहिए उसके अंदर, कम से कम इसमें एक शब्द तो होना चाहिए। इसलिए पहला श्लोक है भागवतम का, इट इज काउंटेड एज गायत्री, क्योंकि उसमें क्या आ रहा है? धीमही, धीमही, या ओके। और साथ ही नैतिकता, मैं हूं, बदमाशों को दंड देना, मैं हूं, जो वृष्णिवंशी हैं उनमें वासुदेव, मैं हूं, पांडवों में बताओ मैं कौन हूं, अर्जुन बताओ, अर्जुन ने कहा पता नहीं, कह रहा मैं अर्जुन हूं। ओके, जितने महान संत हैं उनमें व्यासदेव, मैं हूं, जितनी भी गोपनीय वस्तुएं हैं उनमें साइलेंस, मैं हूं। और उसका भगवान ने कहा इस जगत में जितना जो भी सुंदर है, जो भी ऐश्वर्यशाली है, जो भी महान है, वो वास्तव में मेरे ऐश्वर्य की एक चिंगारी मात्र है बस। वाह, इस जगत में जो कुछ भी सुंदर है, ओके, जितना भी जो कुछ भी सुंदर फूल, सुंदर लड़कियां, हैंडसम लड़के, प्राकृतिक सुंदरता, ये सारी सुंदरता का मिला दिया है, सुंदरता सुंदरता प्लस ये सुंदरता प्लस ये सुंदरता, ओके, जितना भी ऐश्वर्य किसी का, वो ऐश्वर्य सारे इकट्ठा किया जाए, ओके, जितनी भी महानताएं हैं जगत के अंदर, महान ये, महान वो, महान वो, आओ महान, अपनी अपनी महानताएं दो जरा, सारी महानताएं इकट्ठी कर ली हमने, वाह, का ये दिख रहा है, हाँ प्रभु ये मेरे ऐश्वर्य की सिर्फ चिंगारी, व्हाट, तो प्रभु में क्या सुंदरता होगी, क्या ऐश्वर्य होगा, क्या महानता प्रभु की क्या होगी, अरे माय गॉड, यस ही इज योर गॉड, ओ माय गॉड। तो वहां बता रहे ये मैं हूं, वाह जी वाह। लेकिन कोई व्यक्ति बोलता है अरे तो हम भी बोल दें, लाओ जी मैं बोल देता हूँ, मेरा नाम गब्बर सिंह, मैं बोलता हूँ, देखिए आदित्य में ना विष्णु मैं हूँ, और मृत्यु भी मैं हूँ, और जन्म भी मैं हूँ, आदि मैं हूँ, अंत मैं हूँ, बीच में मैं हूँ, ब्रेड भी मैं हूँ, सैंडविच भी मैं ही हूँ, पिज़्ज़ा मैं हूँ, कोका कोला मैं हूँ, और पानी का स्वाद भी मैं हूँ, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, मैंने बोल दिया, भगवान ने गीता बोला, हमने बोल दिया, सो व्हाट, उन्होंने बोला आसित देवल व्यास ये माने मेरे भी, ए छगन तू बता मानता कि नहीं मानता, तेरे को बिट्टू तू मानता कि नहीं मानता, तू ही मानता है, और राजू तू मानता कि नहीं मानता, देखो ना सिर्फ ये मानते हैं बल्कि राजू, बंटी, बबलू, चमेली, ये सब मानते हैं मैं ही, तो कोई बोल देगा, देखो कृष्ण भगवान अपने बढ़ाइया लगे हुए हैं जी, मैं तो यू हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो यू, तो हम भी बोल दें, हम तो हमारे पास और ही बहुत कुछ पड़ा हुआ है, मैं तो ये भी हूँ, मैं तो वो भी हूँ, तो और बहुत कुछ कहा, हम तो मेट्रो में इलेक्ट्रिसिटी मैं हूँ, तो हम भी लगा दें, उसमें क्या है, कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मैं हूँ, तो उसमें क्या है यार, तो हम भी बोल रहे हैं और क्या, ये तो मैं हूँ, मैं हूँ मेरे में तो बहुत कुछ है, मैं हूँ, मैं तो पूरे दिन यही कर रहा होता हूँ, मैं हूँ मतलब पूरे दिन यही रखता हूँ यार मैं, कमॉन, हमें क्यों भाई ये क्यों नहीं मिला भाई, मैं भी तो हूँ, मैं हूँ तो हम भी करते हैं मैं हूँ, इन्होंने कर दिया मैं हूँ, हम भी करते हैं मैं हूँ, हम तुम भी करते हैं, उसमें क्या हो गया, मैं हूँ तो बहुत ही आसान है। अर्जुन ने कहा अच्छा बदमाश हो तुम लोगों का, मतलब थ्योरी से काम नहीं चलता, प्रैक्टिकल कुछ प्रैक्टिकल का होता है, प्रैक्टिकल क्या है प्रभु, एक बार ना दिव्य दृष्टि दे दो, जरा मेरे को दिखा दो एक बार, आप जरा एक ये मूर्खाना लोग काम वो काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ तुमको, मैं दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ जिससे तुम मेरा ऐश्वर्य देख पाओगे,
और जब भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, भगवान ने 11 चैप्टर के अंदर, अब उसमें भगवान की सहस्त्र भुजाएं हैं, सहस्त्र पांव हैं, सहस्त्र नेत्र हैं, गहने भगवान ने पहने हुए हैं, उनके कपड़े बहुत इलस्ट्रियस हैं, मुकुट भी है, गदा भी है, चक्र भी है उसके अंदर, रोंगटे खड़े हो रहे हैं अर्जुन को ये देख करके। उसमें शिव जी भी नजर आ रहे हैं उसके अंदर, उसमें ब्रह्मा जी भी नजर आ रहे हैं उसके अंदर, उसके उनके भगवान के मुख से ज्वालाएं निकल रही हैं, अनंत है भगवान, अनादि है भगवान, अनंत है भगवान। अरे कोई भी ग्रह हो, आकाश हो, सब जगह प्रभु 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 नजर आ रहे हैं। जितने भी यक्ष हैं, साध्य हैं, विश्वदेव हैं, रुद्र हैं, शिव हैं, ब्रह्मा जी हैं, सब के सब प्रभु के आगे हाथ जोड़े हुए हैं। वाह, ये सारा जब देखा, भगवान के नेत्र इतने ऐश्वर्यशाली हैं, उनसे इतनी कलरफुल सृष्टि नजर आ रही है। अरे ये सब देख के तो अर्जुन ने कहा, अरे प्रभु ये देख के तो मैं कांप रहा हूँ, मैं कभी कांपा नहीं हूँ, मैं बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र आए लेकिन मेरे यहाँ से कभी एक पसीना नहीं निकला, आज तो मैं कांप गया प्रभु, आज तो मैं कांप गया आपका ये रूप देख करके, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा, चिंता मत करो अर्जुन, इस युद्ध के अंदर सब के सब मारे जाएंगे सिवाय तुम पांडवों के, युद्ध करो, मैं ऑलरेडी इन लोगों को मार चुका हूँ, हालांकि तुम सभी साथी हो, तुम यहाँ भी ऐसे चला लेते हो, ऐसे भी चला लेते हो, पर ये मैं सोचना कि तुमने ऐसे चलाया, ऐसे चलाया तो ये लोग मर रही है, मैं मार लिया इन लोगों को, निमित्त मात्र हो तुम, हे सभी साथी लड़ो बस, तुम तो विजय तुम्हारी निश्चित है। अरे प्रभु आपका ये रूप देख करके मैं तो बहुत ही घबरा गया हूँ, मैं बहुत डर गया हूँ, मेरी टांगें कांप रही हैं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, हे यादव, हे केशव, मुझे माफ़ कर दीजिए। जिस तरह से पति अपनी पत्नी की बीच में कभी कभी पत्नी का सटक जाएगी अगर, तो माफ़ कर देता है, कोई बात नहीं भगवान, आप तुमने सड़ी हुई रोटियाँ खिलाई मेरे को, कोई बात नहीं माफ़ कर देता है, दोस्त दोस्ती में माफ़ कर देता, कहता कोई नहीं यार दोस्ती है, दोस्त वगैरह मिलते हैं तो उसे पेट में पंच मारे, तू कहाँ था कमीने, इतने फ़ोन नहीं किया तूने, लेकिन माफ़ कर देते हैं दोस्त उस तरह से ना, जिस तरह से पति पत्नी के अपराध माफ़ कर देता है, दोस्त दोस्त के अपराध माफ़ कर देता है। हे आप भी ना मेरे अपराध माफ़ कर दिए, मैं भी आपके गले में ऐसे हाथ डाल लिया, हे केशव कह तुम कैसे हो, अरे कृष्ण तुम भी ना, और कभी कभी आपकी थाली से बीच में उठा के खा भी लिया करता था, सो सॉरी, मेरे को पता नहीं था आप इतने, अरे बाप रे बाप, आप ही बाप हो सके भाई, मान गए अब, लेकिन ना मैं इतना घबरा गया हूँ, वापस उसी रूप में आ जाओ आप, बहुत घबरा गया हूँ मैं, मानो ठीक है उसी रूप में वापस आ रहा हूँ। तो आचार्य ये बता रहे कि ना वास्तव में जो दिव्य दृष्टि भगवान ने दी थी ये थर्ड क्लास दिव्य दृष्टि थी, क्योंकि भगवान का जो ओरिजिनल फॉर्म है एज कृष्णा ये ज़्यादा अच्छी है, ये ज़्यादा स्वीट है, भगवान ने कम स्वीट फॉर्म दिखा दी उसको, बाहर के लोगों के लिए ये होता है भाई मनुष्य रूप में आए हुए थे प्रभु तो दिखा दिए उन्होंने फिर विश्व रूप, तो दिव्य दृष्टि थी, दिव्य दृष्टि से उनकी जो नेत्र थे ना उनकी आईज जो थी उनका विजन बहुत अपग्रेड हो गया। आचार्य कहते हैं ना डिग्रेड कर दिया, आसने भगवान का श्याम सुंदर रूप में दर्शन करना दैट इज ग्रेटर। उन्होंने कहा तू मेरा ना बेस्ट फॉर्म देख रहा है श्याम सुंदर यूनिफॉर्म, मैं तेरे को अपनी सेकेंडरी फॉर्म दिखाता हूँ जो कि वो मेरी एक्सपेंशन यूनिफॉर्म है, इट इज नॉट वेरी स्वीट, तो मैं तेरे को दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ ताकि तू मेरी सेकंड क्लास फॉर्म देख, फर्स्ट क्लास फॉर्म ना। तो आचार्य बता रहे हैं वास्तव में अर्जुन के लिए तो वो डिग्रेडेशन था, मायावादियों के लिए क्या है वाओ अपग्रेडेशन। तो सामान्य जनता ये मानती है उनको अपग्रेड कर दिया, उनकी दृष्टि को असल में डिग्रेड कर दिया। तो श्रेष्ठ कौन सा रूप है, विश्व रूप या श्याम सुंदर रूप, श्याम सुंदर रूप ऐसा। और यहां अर्जुन की जो भक्ति है उसमें ऐश्वर्य क्योंकि मिश्रित है, इसलिए ऐश्वर्य देखकर ऐसे हो भी, अरे हे यादव हे केशव अरे मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। लेकिन ऐसा ही कुछ तो यशोदा मैया को भी दिखाया था, लेकिन यशोदा मैया की भक्ति वो इंटैक्ट रही, अरे मैं क्या देख रही हूँ लाला के मुंह में कि ब्रह्मांड ये वो फना ढिमका, आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ आजकल, मैं सच चक्र आ रहा है मेरा क्या, चल रहे लाला जा तू खेल भाई। ये ऐश्वर्य यशोदा मैया की जो भक्ति है उसको नहीं ला पाया, उसको पेनेट्रेट नहीं कर पाया, लेकिन ये ऐश्वर्य ने अर्जुन को अरे प्रभु कर दिया। सो दैट फेज इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थनाएं करनी शुरू कर दी, और जब ये प्रार्थनाएं जब करनी शुरू कर दी तो ये प्रार्थनाएं सुनकर फिर भगवान ने अपने ओरिजिनल रूप में फिर से आ गया। अरे तो ये भगवान ने विश्व रूप जो दिखाया ये इसलिए दिखाया फ्यूचर में कोई भी आके बोल देगा अरे हम उसमें क्या हम भी बोल देते हैं हम ये मैं हूँ मैं बोलूँगा तो दिखाइए सर
विश्वरूप दिखाइए, ऑन ए मार्क गेट सेट गो, ओके लाइट्स कैमरा एक्शन। सर विश्वरूप, विश्वरूप नहीं दिखाएंगे आप? कहता है वो हमारा प्रोजेक्टर खराब है ना, प्रोजेक्टर पे दिखाते हैं हम एक्चुअली। मैं ऐसे बीच में खड़ा हो जाता हूँ और पीछे प्रोजेक्टर दिखाया जाता है, और दशावतार जो उसमें घूम रहे होते हैं। बस उस वक्त यही प्रार्थना की जाती है, इस वक्त बत्ती गुल ना हो। बत्ती गुल हो गई तो प्रोजेक्टर बंद हो जाएगा, प्रोजेक्टर बंद हो गया तो दशावतार बंद हो जाएंगे। तो ये मेरी दशावतार है, मेरी दाढ़ी देखिए, मैं आज शैम्पू मार के आया इसमें, ये दशावतार विश्वरूप। और सारे हमारे इस्तेमाल करते हैं बीबीटी के, क्योंकि हमारी बीबीटी की पेंटिंग बहुत अच्छी है। जितने दशावतार की पेंटिंग्स है ना, बीबीटी की बेस्ट पेंटिंग्स है दुनिया के अंदर। तो जितने बदमाश घूम रहे हैं ना संसार के अंदर, कोई कोई आर्ट सिखा रहा है, कोई कॉमर्स, कोई साइंस सिखा रहा है, जो भी है, कोई इंजीनियरिंग सिखा रहा है, तो कोई डॉक्टरी सिखा रहा है, जो भी सिखा रहे हैं, लेकिन ये सब के सब जो है वास्तव में सारी पेंटिंग तो बीबीटी की लेते हैं, चलाएंगे वो प्रोजेक्टर से और बीच में खड़े हो जाएंगे कोलगेट के दांत फाड़ते हुए। अवतार हैं ये, इलेक्ट्रॉनिक अवतार। तो इसीलिए अगर कोई क्लेम भी करेगी भाई सर हम प्रभु हैं, दिखाओ विश्वरूप दिखाओ जी, चलो जी कहाँ है कैमरा लाओ जी, कहाँ है कैमरा, कहाँ है लाओ जी, चलो लाइट्स कैमरा एक्शन एक्शन कर, देखो पता लग जाएगा सब। उनको डिस्काउंट दे दो, कहते देखो जी आप विश्वरूप मत दिखाइए, आप बस अपना एक और रूप दिखा दीजिए, बगल में आपका एक और खड़ा हो वो रूप दिखा दो। अच्छा मुंह खोल के दिखा दो, चलो इतना क्या करना, इसको मैं मुंह खोल के दिखाया था, अब मुंह खोल दो, मुंह खोल के होटल एडिसन ब्लू दिखा दो, बस उतना काफ़ी है। उतना कर दो, बता ठीक है कोई कोशिश करता हूँ। तो होटल एडिसन ब्लू की फोटो वोटो खींच करके मुँह में लगा। कैसा होटल एडिसन ब्लू नजर आ रहा है, लेकिन वो कीड़े भी नजर आ रहे हैं अगल बगल में, कहते हैं हाँ वो मंजन नहीं करता ना मैं। कीड़े भी लगे हुए हैं, और वो प्लाक, हाँ वो प्लाक भी निकलवानी है, डेंटिस्ट के पास जाना है मेरे को। लेकिन प्लाक है, कीड़े भी, लेकिन साथ में होटल एडिसन ब्लू भी है। या ठीक है ठीक है, बाहर निकाल लीजिए। वाह जी, जय हो वासुदेव जी, वासुदेव जी। तो इसलिए ये इसलिए दिखाया भगवान ने विश्वरूप, ताकि फ्यूचर में आकर कोई बांगड़ू कोई भटूरा अगर बोले कि हम भी प्रभु है भाई, उसमें क्या होगा, हम भी कृष्ण हैं, कृष्ण यही बताने के लिए आती कि हम सब कृष्ण ही हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, दिखा दो विश्वरूप दिखाओ, हैं हाँ। चलो गीता सुना दो, गीता सुना, कहते गीता कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप बताइए हमको, बॉलीवुड के बहुत सारे गीत याद आ गए सर, भगवत गीता है वो, उनका था हमारी अपनी है गीता। क्या तुम लेके आए थे, क्या तुम लेके जाओगे, बस ये हमारे पास ये वाली गीता है वो। तो दैट वे सब नकली दुकानदारी है सारी सारी। सो इसलिए भगवान ने विशेष रूप से विश्वरूप दिखाया, और बाय एंड बाय दिस, और ये विश्वरूप कब भी किसी अवतार ने नहीं दिखाया, किसी देवी देवता ने नहीं दिखाया, कब भी नहीं, ओनली कृष्णा। किसी अवतार ने भी आखिर नहीं बोला मैं प्रभु हूं वर्शिप में, सिर्फ अकेले कृष्ण ने ही बोला। तो बोले अच्छा तो कोई बोल देगा, तो सर ये विश्वरूप दिखा दे कोई, किसी अवतार ने विश्वरूप नहीं दिखाया, ओनली कृष्णा।